बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। अभिनेत्री के निर्देशन में बन रही फिल्म इस साल अक्टूबर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन स्टारर गणपत की रिलीज डेट से क्लैश हो रही है, जिसकी वजह से कंगना काफी गुस्से में आ गई है और उन्होंने अपना गुस्सा अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ पर निकाला है। आपको बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत इस साल 20 अक्टूबर को एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे में दोनों फिल्में क्लैश कर रही हैं, तो भला कंगना चुप कैसे रह सकती हैं? अब कंगना ने फिल्म क्लैश होने पर बुधवार शाम को ट्विटर पर गणपत मेकर्स पर निशाना साधा है। कंगना ने फिल्म गणपत के मेकर्स पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा, 20 अक्टूबर की तारीख को उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज के लिए क्यों चुना, जबकि पूरा अक्टूबर फ्री है, नवंबर, दिसंबर और सितंबर भी है। अभिनेत्री ने इस बात का भी हिंट दिया कि वे अब रिलीज डेट के बदलाव पर विचार करेंगी और जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा तभी रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट होगी। कंगना ने अपनी ट्वीट पर अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ को भी आड़े हाथे दे लिया। उन्होंने लिखा, आज मिस्टर अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ ने 20 अक्टूबर को अपनी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की। हाँ हाँ, लगता है पैनिक मीटिंग हो रही है बॉलीवुड माफिया गैंग्स में। कंगना यही नहीं रुकी, इन्होंने इसके बाद एक और ट्वीट किया। कंगना ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, अब इमरजेंसी की रिलीज डेट में एक ट्रेलर के साथ एक महीने पहले ही अनाउंस कर दूंगी। जब सारा साल फ्री है तो क्लैश की जरूरत क्यों है भाई? ये बुरी हालत है इंडस्ट्री की, फिर भी इतनी दुर्बुद्धि, क्या खाते हो यार तुम सब, इतने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैसे हो? आपको बता दें कि कंगना ने साल 2022 में ही इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी थी। इस फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज किया जा चुका है। फिल्म में कंगना भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी। अभिनेत्री न केवल इसमें लीड रोल कर रही हैं, बल्कि वे अपने करियर में पहली बार फिल्म को डायरेक्ट भी कर रही हैं। फिल्म इमरजेंसी की कहानी एक पॉलिटिकल ड्रामा पर आधारित है।